अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मैम। अस्सलाम, हाउ आर यू ऑल? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, एंड हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। ओके, लेट्स वेट फॉर टू मोर मिनट्स सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन जॉइन अस, एंड आफ्टर दैट इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। Excuse me, ma'am. Yes. मैम आयशा नूर ने ना आपको ईमेल की थी, उसके घर में कुछ इशू है जिसकी वजह से ना वो क्लास नहीं ले सकती।
ओके फाइन, इसमें आपको ओके ओके दैट्स ओके 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 क्लास. सो टुडे आई एम नॉट गोना आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन एंड वी आर नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डिस्कशन राइट नाउ एंड देयर इज नो ग्रेड एक्टिविटी. आई एम जस्ट गोना गिव यू अ समरी ऑफ चैप्टर नंबर 3. देन आफ्टर दैट इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल हैव दिस ग्रेड एक्टिविटी ऑफ चैप्टर नंबर 4. ओके अभी अभी हम नहीं करेंगे चैप्टर नंबर 4 को, हम चैप्टर नंबर 3 का जो है वो समरी कर लेते हैं. ठीक है ओके मैम. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही. बेटा मैं बोल नहीं रही अभी. ओके एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू क्लास? यस मैम. ओके चले. सो चैप्टर नंबर 3 आप देखिए, इस चैप्टर में the author diverts the emperor and his nobility of both sexes in a very uncommon manner. The diversions of the court of Lilliput described, the author has his liberty granted him upon certain conditions. So, aap samajh le ki ye jo hai wo ek gist diya gaya hai is chapter ka. So actually what is there in this chapter? This chapter starts with the you can say some sort of performances by Lilliputians. Okay, let me just give you a brief summary of this chapter. Gulliver begins to be liked and trusted by the Lilliputians. Okay, they started to like him and they started to trust him. And the emperor amuses Gulliver by showing him the rope dancers, who are, you can say, the dancers are commoners looking for work in the government. Okay, they actually wanted a government job. That's why they had to show this performance. They had to show this rope dancing. So they must perform their dance on a rope suspended 12 inches above the ground. ओके okay, एक थ्रेड था, उस थ्रेड को उन्होंने जो है मतलब उनके लिए तो रस्सी थी, तो वो थ्रेड जो है उन्होंने 12 इंचेस ग्राउंड से ऊपर रखा एंड दे हैड टू वॉक ऑन दैट रोप एंड दे हैड टू डांस ऑन दैट रोप. द पर्सन हु लीप्स द हाईएस्ट व्हाइल परफॉर्मिंग विंस द जॉब. सो यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट जॉब को हासिल करने के लिए उन्होंने क्या मतलब ये इतना एक डेंजरस किस्म का एक परफॉर्मेंस उन्होंने देना था. तो जो ज़्यादा जो है वो जिसका लीप हाईएस्ट होगा उसको जो है वो जॉब मिलेगी. ठीक है. सो करंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू रोप डांस फ्रॉम टाइम टू डेमोंस्ट्रेट दैट दे हैव not gotten lazy in their positions. तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो commoners हैं who are seeking government jobs. ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि ये उनके लिए भी है जो कि they are current or government officials, लेकिन फिर भी they are required to perform this rope dance ताकि वो ये दिखा सकें कि वो lazy नहीं हुए हैं अपने position पर. And they are very active and they still have that stamina and capacity. ठीक है. तो इट्स, यू कैन से इट्स देयर कस्टम, इट्स देयर इट्स रूल इन लिलीपुट के वहाँ पर जब भी किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है तो एम्परर के सामने वो आकर रोप डांसिंग करते हैं. ओके. सो गुलिवर इज शोन अनदर गेम इन विच द एम्परर पुट्स अप अ स्टेक एंड गवर्नमेंट कैंडिडेट्स मस्ट आइदर लीप ओवर और क्रॉल बीनीथ इट. The top three applicants with the longest jumps and crawls receive special skills to wrap around their waist. अच्छा, ये भी एक और परफॉर्मेंस है जिसमें अगेन कैंडिडेट्स जो हैं उनको ये परफॉर्म करना पड़ता है और जो जीतता है उनको स्पेशल किस्म के स्पेशल स्किल्स उनको मिलते हैं जो वो रैप करते हैं अपने कमर पे. ठीक है. सो गलीवर फॉर्मुलेट्स अ नोवल वे, अ न्यू वे टू अम्यूज द एम्परर. वो एक नया गेम इजाद करता है एम्परर को दिखाने के लिए. विथ हिज हैंडकरचीफ एंड स्टेक्स ही कंस्ट्रक्ट्स अ प्लेटफॉर्म. ऑन द प्लेटफॉर्म द एम्परर्स मेन प्रैक्टिस एंड स्टेज मॉक फाइट्स. वो लोग क्या करते हैं,
वो जो है वो उस प्लेटफॉर्म पर अपने हैंकर चीफ को जो उसका रुमाल है और स्टिक्स के साथ वो एक प्लेटफॉर्म बनाता है और उस प्लेटफॉर्म पर जो एम्परर के जो लोग हैं जो बंदे हैं मतलब जो का जो उसके आदमी हैं वो प्रैक्टिस करते हैं और वो फाइट करते हैं मॉक फाइट होता है ये सो दे वर परफॉर्मिंग मॉक फाइट्स अंटिल अ हॉर्स रिप्स अ होल इन द हैंकर चीफ एंड इज इंजर्ड तो जब एक घोड़े को चोट लगती है तो गलिवर स्टॉप्स द गेम एंड ही सेज दैट द गेम अपीयर्स टू बी टू रिस्की फॉर द लिलीपुशियंस ये कह के वो उसको रोक देता है क्योंकि उसकी नज़र में ये लिलीपुशियंस के लिए बहुत डेंजरस है और ये जो है लिलीपुशियंस के लिए सही नहीं है ठीक है क्योंकि इससे उनको नुकसान पहुंच सकता है वो जख्मी हो सकते हैं ठीक है सो देयर इज अनदर परफॉर्मेंस व्हिच इज ओनली शोन बिफोर द एम्परर एंड एम्प्रेस एंड फर्स्ट मिनिस्टर अपॉन पर्टिकुलर ओकेजंस कुछ खास ओकेजंस के लिए जो ये परफॉर्मेंस दी जाती है In this, the emperor lays on the table three fine silken threads of 6 inches long, and one is blue, the other one is red, and the third one is green. So these threads are proposed as prizes for those persons whom the emperor has a mind to distinguish by a peculiar mark of his favor. So ceremony is performed in His Majesty's Great Chamber of State, where the candidates are to undergo a trial of dexterity very different from the former and undergo and such as I have not observed ye lili ye jo hai ye Gulliver's ke words okay the least resemblance of in any other country of the new or world or old world okay yahan par jo hai ye jo performance hai ye sirf aur sirf emperor aur empress ya officials ke samne perform kiya jata hai yes hello yes who is this मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है थोड़ी माइक करीब कर लें क्लास आप सबको मेरी आवाज कम आ रही है नो मैम नो मैम नो मैम सही आ रही है अच्छा सही है मैम मैं तो बिल्कुल अच्छी आ रही है अच्छा ठीक है आप लोगों को अच्छी आ रही है ना तो बेटा अक्सर आई थिंक द प्रॉब्लम इज विद योर स्पीकर्स और माइक आई थिंक आपका हेडफोन के साथ मसला होगा क्योंकि मेरी आवाज बाकी सबको अच्छे से जा रही है ठीक है Okay, so then what happens on the beach? The Lilliputians discover a massive black item, and Gulliver recognizes that the object that is his hat, and he receives that in fine condition. So 2 days later, the emperor orders Gulliver to wear the hat and pose like a huge statue for the Lilliputian army to march underneath him. तो ये उसने अगेन जो है यहाँ पर एम्परर ने यहाँ पर गलिवर को जो है वो शामिल किया इस गेम में और उसको कहा कि एक हैट पहन के एक बड़े से स्टेचू की तरह खड़े हो जाओ ताकि जो लिलीपुशियन जो आर्मी है वो आप तुम्हारे नीचे से मार्च करते हुए गुजरे सो यस देन गलिवर इज गिवन हिज फ्रीडम बट ही मस्ट यू नो स्टिक टू अ सेट ऑफ रूल्स विच इंक्लूड द फॉलोइंग अब नीचे कुछ उनके रूल्स हैं इन रूल्स को अगर वो स्टिक करता है इनसे वो एडहेयर रहता है तो वो जो है उसको फ्रीडम मिलती है उसको आज़ादी मिलेगी ठीक है द फर्स्ट थिंग इज ही इज नॉट अलाउड टू लीव द आइलैंड विदाउट एम्परर्स परमिशन एम्परर के परमिशन के बगैर वो आइलैंड को लीव नहीं कर सकता Secondly, he मैम आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से बेटा मेरी आवाज बाकियों को आ रही है लेकिन I don't know what's the problem with some of the students. Yes, class, आप सबको मेरी आवाज सही नहीं आ रही मैम हमें तो सही आ रही है हमें आ रही है मैम हमें तो आ रही है Zen, it means कि आप खुद किसी शोर वाली जगह पे बैठे हुए जहाँ पे आपको आवाज नहीं आ रही है ठीक है बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कैन हियर मी और Zen आप जहाँ से बोल रहे ना आप पीछे से बहुत शोर आ रहा है
ओके ओके फाइन. तो कुछ रूल्स हैं जिससे उस जो उसने फॉलो करने हैं. एंड वन ऑफ द रूल्स इज ही इज नॉट अलाउड टू लीव द आइलैंड विदाउट एम्परर्स परमिशन. एंड सेकंडली ही मस्ट बी अ लिलीपुटियन एली इन वॉर्स एंड मस्ट असिस्ट विद बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स. तो इसको कहा गया है कि आपने आइलैंड को छोड़ना नहीं है परमिशन के बगैर, और लिलीपुटियंस जो हैं उनको उनकी हेल्प करनी है वॉर्स में. और उसके बाद ये कि जब भी कोई बिल्डिंग या कंस्ट्रक्टिंग प्रोजेक्ट होगा उसमें उसने हेल्प करनी है गलीवर ने. देन ही वॉन्ट एंटर द मेन सिटी विदाउट द एम्परर्स परमिशन एंड 2 hours नोटिस. ओके, यहाँ पर भी जो है वो एम्परर की परमिशन के बगैर वो सिटी में एंटर नहीं हो सकता. ठीक है. Then they continue to refer to him as Man Mountain, since he will only he will only stroll on the kingdom's main route and will not sleep in any meadows or fields. उसको अलाउ नहीं है कि वो कहीं पर सोए. ठीक है, वहाँ पे उनकी फील्ड्स में, उनकी मेडोज में सोने की उसको इजाजत नहीं है. वो सिर्फ जो है वो जो किंगडम के जो रूट्स हैं, जो अहम जो शाहराहें हैं, वहाँ पर वो स्ट्रॉल कर सकता है, चल सकता है, वरना वो कहीं सो नहीं सकता. ही विल अवॉइड क्रशिंग ऑन समवन और पिकिंग देम अप विदाउट देयर परमिशन. वो उसको ये भी कहा गया है कि वो किसी को जो है वो क्रश नहीं करेगा, स्टॉप नहीं करेगा, और ये कि वो किसी को उठाएगा नहीं उसकी परमिशन के, उस बंदे की परमिशन के बगैर. Okay, then if the emperor has any exceptionally important messages to transmit, Gulliver will have to transport the messenger and his horse to their destination and return once a month. So, महीने में एक दफा जब भी जो है एम्परर को जरूरत पड़ेगी उसकी, अगर उसने कोई मैसेज भेजना हो कहीं पर, तो Gulliver क्या करेगा, उसके मैसेंजर को और उसके घोड़े को मंजिल तक लेकर जाएगा. ये इसकी जिम्मेदारी है. ठीक है. देन Gulliver विल प्रोवाइड द एम्परर हिज एस्टिमेशन ऑफ द साइज ऑफ लिलीपुट्स आइलैंड इन 2 months. इसको 2 months का टारगेट दिया जाता है, और विद इन 2 months ही विल हैव टू प्रोवाइड द एस्टिमेशन ऑफ द साइज ऑफ लिलीपुट्स आइलैंड. ठीक है, तो उसको ये कहा गया है कि लिलीपुट का जो आइलैंड है उसका साइज देखना है, और 2 महीने के अंदर आपने ये जो है वो रिपोर्ट करना है एम्परर को. इफ ओके देन इफ Gulliver फॉलोज ऑल ऑफ दिस रूल्स द एम्परर विल गिव हिम फूड, ड्रिंक एंड एक्सेस टू देयर रॉयल पर्सन, विच मीन्स Gulliver विल बी एबल टू स्पेंड एज मच टाइम विद द एम्परर एज ही विशेस. तो मतलब वो फिर जो है वो खुशकिस्मत बंदा है कि उसको जो है वो Gulliver को जो है ये मौका दिया जाएगा कि वो एम्परर के साथ जितना टाइम स्पेंड करना चाहता है वो कर सकता है. अगर वो रूल्स को फॉलो करेगा तो उसको खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, और उसको ये प्रिविलेज भी हासिल होगी. सो Gulliver एग्रीज टू ऑल ऑफ दिस रूल्स. उसको कोई मसला नहीं, वो अग्री करता है. एंड Gulliver's chains आर फाइनली loosened ऑन द कमांड ऑफ द एम्परर. तो एंड में क्या होता है, Gulliver का जो उसका जो जो चेन, उसको जंजीरें जो पहनाई हुई थी वो उसको लूज कर देते हैं एम्परर के ऑर्डर पर. So basically what we find in this chapter is we see that there are several performances by the Lilliputians. Lilliputians ki taraf se kuch performances hote hain, kuch shows hote hain jo Gulliver ko dikhaye jaate hain, and Gulliver is also part of one of those performances. Aur iske alawa Gulliver also invents a game which was like kya tha wo game, हाँ हैंकरचीफ वाला गेम था उस, वो करता है. लेकिन दैट वाज टू डेंजरस फॉर द लिलीपुटियंस, दैट्स व्हाई ही स्टॉप्ड देम टू प्ले दैट गेम. ओके, और इसके अलावा यहाँ पर इस चैप्टर में आपको अब देखिए कि कुछ सर्टेन रूल्स जो हैं वो Gulliver के फ्रीडम के लिए उन्होंने सेट किए हुए हैं कि उसको फ्री किया जाएगा बट ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस, और वो कंडीशंस आपसे मैंने शेयर कर लिए हैं.
फर्स्ट इज फर्स्ट ये था कि आइलैंड को विदाउट परमिशन लीव नहीं करेगा और ही विल हेल्प इन इन वॉर्स ही विल हेल्प द लिलीपुटियंस इन वॉर्स एंड ही विल आल्सो हेल्प देम इन बिल्डिंग द प्रोजेक्ट्स जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें इसके अलावा ही विल नॉट एंटर द मेन सिटी विदाउट द एम्प्रेस परमिशन और ये था कि ही विल ओनली स्ट्रोल ऑन द किंगडम्स मेन रूट्स एंड ही विल नॉट स्लीप इन एनी मेडोज और फील्ड और फिर इसके अलावा ये भी कहा था कि ही विल अवॉइड क्रशिंग ऑन समवन और पिकिंग देम अप विदाउट देयर परमिशन और आल्सो इफ द एम्परर हैज एनी एक्सेप्शनली important messages to send then Gulliver will have to transport the messenger and as well as his horse to their destination okay and return aur yani usko lekar bhi jana hai aur wapas bhi lana hai and Gulliver will also provide the emperor his estimation of the size of Lilliput's island aur jo timeline usko di jati hai that is 2 months Then the last thing was agar Gulliver jo hai in sub rules ko observe karta hai follow karta hai to the emperor will give him food he will give him drink also access to our royal person matlab ye ke Gulliver is allowed like he will be able to spend as much time with the emperor as he wishes to ye jo rules the ye set kiye gaye the aur Gulliver in par agree karta hai aur isko finally iske chains ko लूज कर दिया जाता है एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड क्लास आपका चैप्टर नंबर 3 हो गया है एंड इन योर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल हैव दैट ग्रेडेड एक्टिविटी फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 यू विल हैव टू डिस्कस द चैप्टर इन द क्लास देयर विल बी अ डिस्कशन एंड आई विल आल्सो आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यू सो इट विल बी सॉर्ट ऑफ डिस्कशन प्लस क्वेश्चनिंग सेशन ओके सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू रीड चैप्टर नंबर 4 एंड आल्सो प्लीज गो थ्रू द चैप्टर नंबर 3 बिकॉज आई हैव जस्ट गिवन यू the summary of chapter number 3 and we have not studied these this chapter between the lines so that's why you have to read it by yourself वैसे ये बहुत छोटा है तो बड़ा भी नहीं है तो it would be now easier for you to read because you have got the idea that what is there in chapter number 3 so it will be easier for you to read the whole chapter only 2-3 pages are there हाँ जी 1-2-3 3 pages hain chapter number 3 ke and that would be easy for you to read just go through it zarur isko read kijiyega aur koshish kare ki isko read kare aur iske jo detail mein aap isko padhe because this is part of your final exam aur inshallah aap logo ka jo final exam hai that would be on campus to on campus jo final exam hoga you will have to be very careful and vigilant aur attentive bhi aapko hona hoga okay Komal Amin do you have any question you have raised your hand यस मैम मेरा क्वेश्चन मैम ये जो उसको 9 प्रिंसिपल्स उसको दिए गए थे यानी वो मतलब कितने टाइम के लिए थी उसको लिबर्टी मतलब उसने बेसिकली डिमांड किया था लिबर्टी कि वो आइलैंड छोड़ सके इसलिए उसको वो 9 रूल्स दिए गए थे और वो कितने टाइम के लिए उसको कहा गया था कि वो कितने टाइम के लिए आइलैंड उसने अभी छोड़ना नहीं था उसको आइलैंड छोड़ने के लिए नहीं कहा गया था मतलब सिर्फ उसको चेन से हाँ चेन से लूज करने के लिए और इसको आइलैंड छोड़ने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी क्योंकि अगर वो आइलैंड छोड़ देता तो फिर बात वही आती ना कि इनको फायदा नहीं होना था उन्होंने इससे फायदा लेना था तो फायदा लेने के लिए जाहिर है उन्होंने ये रूल्स रखे कि हम उसको चेन से अब जानते हैं कि उसको चेन से अभी तक बांधा हुआ था और उसको फ्री नहीं किया हुआ था तो फ्री का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि उसको जाने की इजाजत दी गई है वो जाएगा नहीं वहीं पर रहेगा और अब रूल्स में आप देखें ये जो कंडीशंस थे इनमें कहीं पर भी ये नहीं है कि वो आइलैंड को लीव करेगा इवन जो कंडीशन पहला है उसमें ये लिखा होता है कि ही इज नॉट अलाउड टू लीव द आइलैंड विदाउट परमिशन तो वो परमिशन के बगैर वो आइलैंड से तो जा नहीं सकता और ऑल्सो उसको क्या करना है ही विल हैव टू हेल्प देम इन वॉर्स जंगों में उनकी मदद करनी है एंड ही विल हैव टू असिस्ट देम विद बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स तो ये सारी चीज उसने करनी है तो इट मीन्स दैट ही इज नॉट अलाउड टू लीव द आइलैंड तो ही शुड बी देयर इन द आइलैंड और सर्टेन कंडीशंस हैं और उसने कहा कि चलो ठीक है मैं इनको जो है वो फॉलो कर लूंगा ओके मैम ठीक है ओके चले यस क्लास तो आप लोगों ने यू हैव टू रीड द होल चैप्टर चैप्टर नंबर 3 आपको सिर्फ समरी पढ़कर आपने गुजारा नहीं करना है आपको चैप्टर नंबर 3 भी पूरी पढ़नी होगी और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 का हम डिस्कशन रखेंगे एंड वी हैव 8 चैप्टर्स इन दिस पार्ट सो अभी हमारा बहुत रहता है और बहुत हमारा जो है वो कवर करने वाला है इस नॉवल से फिर इसके बाद इंशाल्लाह मैंने आप लोगों से आई हैव प्रॉमिस्ड यू विद यू कि आप लोगों को मैं राइटिंग स्किल्स भी सिखाऊंगी तो बस
थोड़े मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा हम गुलिवर्स ट्रैवल को थोड़ा सा हम इसके कुछ चैप्टर्स पढ़ लें, फिर उसके बाद वी विल इंशाल्लाह डू सम राइटिंग स्किल्स एंड आई विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स एंड आई विल शेयर द साइट. आपको मैंने एक साइट का कहा था कि आई विल शेयर दैट साइट विद यू. यू विल फाइंड डिफरेंट फ्रेजेस एंड वर्ड्स फॉर योर रिसर्च राइटिंग और फॉर योर एकेडमिक राइटिंग, और वहाँ से आप जो है वो उन वर्ड्स को ले सकते हैं, उसको आप सेव रख सकते हैं. ठीक है, ओके. मैमुना जाहिद. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम मैम. मैंने लास्ट क्लास में भी मेंशन किया था, मेरा ना फर्स्ट क्विज जो है वो मिस हो गया क्योंकि मैं उस दिन एब्सेंट थी. तो उसका मैं क्या करूंगी, मतलब रीटेक होगा या उसका कोई सॉल्यूशन? अभी फिलहाल तो आई कांट से एनीथिंग. आपका फर्स्ट क्विज आपका जो अभी हमने चेक किया उसकी बात आप कर रही है ना? यस मैम, जिसके मार्क्स अपलोड हो गए. कॉम्प्रिहेंशन there are several students who have missed this quiz, to unka mujhe ikatthe phir lena padega, isse one by one to main nahi le sakungi. To uske liye bhi main kisi din aap main crd gr se baat karungi aur phir hum dekhte hain ki kitno ne miss kiya hai, phir uske accordingly phir main aap logo ka quiz lungi. I think I have shared the key in the group as well, right? Yes ma'am. ha to phir ab dobara ye quiz to aapko nahi milega. I will give you another quiz. तो उसके लिए फिर मुझे देखना पड़ेगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव मिस्ड देयर क्विजेस लाइक क्विज 1. तो उसको मुझे देखना पड़ेगा मैम, बिकॉज़ लास्ट टाइम भी जब हमारा इंग्लिश 2 का था ना, तो उसमें मैम ने कहा था कि जो आपके बेस्ट होंगे ना क्विज, उनमें से आपके मार्क्स मतलब ले लिए जाएंगे. तो क्या ऐसा भी? That's not the case in this semester. I'm not doing that. I'm just taking the average of all the quizzes. मैंने सिर्फ average निकालनी है सारी quizzes की. तो उसके लिए फिर मैं best count नहीं करूँगी. ठीक है? Okay. So you will have to like take all the quizzes. आपको ये relaxation नहीं होगी कि आप किसी quiz को छोड़ दें. तो best का scene नहीं होगा. ठीक है, okay, तो मैं इसको अभी स्केड्यूल करती हूँ. किसी दिन आपको बताती हूँ कि किस दिन मैंने क्विज 1 का रीटेक लेना है, और वो तमाम बच्चे जो मिस कर चुके हैं क्विज 1 को, उनको मैं एक चांस दूंगी कि वो क्विज 1 दोबारा दे. बट क्विज 1 दोबारा यही वाला नहीं होगा. आई विल गिव यू अनदर क्विज. ठीक है, कोई और दूंगी यही okay. वाला, क्योंकि मैं की शेयर कर चुकी हूँ, तो यू पीपल ऑलरेडी नो द आंसर्स, दैट्स व्हाई मैं दोबारा ये नहीं दूंगी. ठीक है रिमशा. मैम आपने वो जो शो बताया था कि मतलब रोप के ऊपर वो जंप करते हैं, उसके बाद आपने एक और बताया था कि जिसके इनाम पे उन्हें सिल्क मिलता है वो उसे वेस्ट पर रैप करते हैं, वो कौन सा था? वो जरा रिपीट कर दें. सॉरी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? मैम वो रोप पे जंप करने के बाद आपने ना एक और ट्रिक और शो बताया था कि जिसमें उन्हें सिल्क मिलता है इनाम के तौर पर, उसे वो अपनी वेस्ट पे बांधते हैं, वो कौन से वाला था? हाँ हाँ, जिसमें एम्परर जो है वो स्टिक्स रखता है और जो गवर्नमेंट कैंडिडेट्स हैं वो उस पर जंप मारते हैं या उसके नीचे से वो क्रॉल करते हैं, ये वो वाला था. ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 3 में. आप जाए ना चैप्टर नंबर 3 को ओपन करें, वहां पे आपको मिलेगा. ओके मैम, थैंक्स. ठीक है, ओके. यस यस क्लास. अच्छा क्लास, आई एम गिविंग यू एक मिनट. आई एम गिविंग यू एन असाइनमेंट, लेकिन ये ग्रेडेड असाइनमेंट नहीं है, ये अभी क्लास का एक्टिविटी ही होगा. मैं आपको एक एक्टिविटी दे रही हूँ, उस एक्टिविटी को आपने करना है. व्हाट यू हैव टू डू इज, बड़ा ईजी है तो मुश्किल नहीं है. आपने क्या करना है, अभी आपने इसको बैठ के चैप्टर नंबर 3 अपनी बुक को ओपन करना है, नॉवल को ओपन करना है, चैप्टर नंबर 3 को ओपन करना है. एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू क्लास? Yes, ma'am. हाँ, तो आपने चैप्टर नंबर 3 को ओपन करना है, और चैप्टर नंबर 3 को ओपन करने के बाद आपने जस्ट यू विल जस्ट राइट डाउन द डाइवर्जेंस और द शोज दैट इज परफॉर्म्ड बाय द लिलीपुशियंस एंड गलीवर. ठीक है, तो आपने वो लिस्ट डाउन करने हैं, उनको आपने जॉट डाउन करके मुझे आपने अभी क्लास में ही आपने वो डिस्कस करना है. ठीक है, ओके सही है. तो वो वाले शोज और परफॉर्मेंसेस जो चैप्टर नंबर 3 में लिलीपुशियंस ने और गलीवर ने परफॉर्म किए थे, आपने उनकी एक लिस्ट बनानी है सब ने, और उसको फिर अभी आपने क्लास में डिस्कस हमने उसको करना है. इट्स एन एक्टिविटी, इससे ये होगा कि यू विल रीड द चैप्टर चैप्टर नंबर 3, और उसके बाद आपने उसमें से डाइवर्जेंस निकालने हैं जो लिलीपुशियंस ने परफॉर्म किए हैं. ठीक है, एम आई क्लियर क्लास? Yes, ma'am. I'm repeating it again.
आपने क्या करना है, यू विल हैव टू लिस्ट डाउन द डाइवर्जेंस दैट इज और द परफॉर्मेंसेस और द शोज दैट इज परफॉर्म्ड बाय द लिलीपुटियंस एज वेल एज गुलिवर, और आपने उसको लिस्ट डाउन करना है एंड देन यू विल शेयर दैट इन द लाइक आफ्टर 15 मिनट्स यू विल शेयर दैट इन द मीटिंग. अभी क्लास में आपने 15 मिनट्स के बाद आपने उसको शेयर करना है, तो आप सब ने इसको शेयर करना है. मैं हर बच्चे से ये क्वेश्चन हर बच्चे से मैं पूछूंगी डाइवर्जन के हवाले से. और Yes, that's it. बस अभी आप लोगों ने 15 मिनट में बहुत बहुत आसान टास्क, इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को टाइम लगे. 15 मिनट्स में बहुत ज़्यादा दे रही हूँ. आपने बस लिस्ट डाउन करने हैं एंड यू विल हैव टू एक्सप्लेन द डाइवर्जन्स, यू विल हैव टू टेल अबाउट द डाइवर्जन्स, उसके जो रूल्स हैं, उसके जो जो रेगुलेशन हैं कि किस तरह से उसको करना है. यू विल हैव टू tell the whole thing about the divergence. Okay, so I'm giving you 15 minutes. After 15 minutes I will get back to you, then we will discuss that in the class. Yes, your time starts now. Okay ma'am. Open your novel chapter number 3 and read the chapter and list down the divergence. मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग्स आ रही हैं जैसे आप लोग मुझे नहीं सुन रहे या आप लोग तवज्जो नहीं दे रहे. नहीं मैम, मैं सुन रही हूं. ओके फाइन, चले चले. ओके ओके, टाइम स्टार्ट हो गया आप लोगों का. जी ज़ैन आसिफ, आप कुछ कहना चाहते हैं? ज़ैन आपके ना वो बैकग्राउंड से इतनी आवाजें आ रही हैं कि मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दे रही. जी मैम, अब आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, अब आ रही है. बोले मैम. अनुषे वो उनका ना इशू है, मतलब कि इंटरनेट का इशू है या कोई और इशू है, वो कह रहे थे कि मैं भी जो ना मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा, तो अगर मैं ज्वाइन हो गया तो मैं. यस मैम, अनुषे निसार का मुझे भी टेक्स्ट आया अभी थोड़ी देर. ओके ठीक है.
क्योंकि मैम ये पेज पर लिख के आपको शेयर करना है पेज या वैसे ही आप ओरली सुनेंगी? डोंट शेयर इट विद मी, नो नीड टू शेयर इट विद मी, वी विल डिस्कस दिस इन द क्लास राइट नाउ, ठीक है? आफ्टर 15 मिनट्स वी विल डिस्कस इट, वी विल डिस्कस ऑल द डायवर्जेंस इन गेम्स और द शोज परफॉर्म्ड बाय द लिलीपुशियंस, ओके? तो वो हमने शेयर करना है एंड यू विल हैव टू एक्सप्लेन द डायवर्जेंस. समझ आ रही है आपको बात? तो नो नीड टू शेयर द फाइल विद मी, बस आपने हमने सिर्फ अभी ग्रुप में इसको डिस्कस करना है.
Okay, all right, class. I hope that you people are done with the assignment. Yes? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, what about the rest of the students? Class? Yes, ma'am. Are you done with the activity? Yes, ma'am. Yes, baki bache. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma, Sharjeel, Savera, Sajal, Sadia, Noor, Fazal, Nida, Hamid, Muqaddas, Muhammad, Muhammad, Asjad, Sana, Rimsha, Kashif, Abdul Qadir, Meera, Laiba. Ji, ma'am. Sabka ho gaya? Yes, ma'am, ho gaya. Yes, ma'am. Okay. Let's discuss the diversions in detail one by one now. Who will tell me about the first diversion, the first show? Ma'am, main bataun? Ji ji, Komal, sure. Okay. Ma'am, first diversion was basically about the rope dancers, and in this slender white thread was extended about 2 feet and 12 inches from the ground, and this diversion was performed by those people who were seeking employment in the government. Whenever there was a vacant position, five or six candidates were there to perform their performance on the rope, and whoever jumps high will be awarded with that that job. Okay, yes, okay, ma'am. Okay, good, very good, excellent. Okay, now let me call Danish Ajaz. Danish Ajaz, tell me about the next diversion. Danish Ajaz. Yes, ma'am. Gigi Danish. Yes, ma'am. Awaaz aa rahi hai aapko? Yes, yes, I can hear you. Danish, carry on. Hello. Yes, Danish, I can hear you. Ma'am, the second diversion performed the film nap, the treasurer is allowed to cut the dangerous activity on the straight rope 1 inch higher than the any other lord in the whole empire. Danish, can you repeat this again? Ma'am, the second diversion is performed by the film nap, the treasurer mm-hmm. is allowed to cut the dangerous activity on it was the most dangerous activity. Ma'am, he was allowed to cut on the straight rope which is 1 inch higher than the any other lord in the whole empire. Okay, fine. Okay, theek hai, chale, sahi hai. Asfa Noreen. Yes, ma'am. Ji, aap mujhe next diversion ka bataye. Ma'am, yes, ma'am. Another diversion is shown by the Gulliver. It was by ever. Shown to Gulliver, it was by emperor to empress. Ma'am, in this diversion, 3 silken threads of different color are laid on table, which are in red, blue, and green color. And then the emperor hold a stick, and candidates are asked to leap or creep under it. And whoever shows the most dexterity wins one ribbon, and he ties that ribbon on his waist. Okay, fine. Maliha Sami. Maliha Sami. Okay, class, those who are not responding to me will be marked absent. Yes, ma'am. Okay. Ji, Maliha. Walaikum Assalam. Tell me about the show that was performed by Gullivers. Gulliver. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, dobara bata dein kya keh rahi hain aap. मैं कह रही हूँ जो गलीवर ने शो परफॉर्म किया था वो बताएं वो क्या था. मैम एक सेकेंड. मैम इसमें गलीवर कौन सा है. ही वांटेड ही यूज्ड हिज हैंड हैंडर चीफ ही मैम एक सेकेंड ही हैंड कोट सेव इट इज समथिंग व्हिच आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर. Ma'am, yeah, nice. Ma'am, isme hai Gulliver standing with legs apart
found a black thing on island, and actually it was a hat, and Gulliver's hat emperor asked him to wake it and stand like a statue with legs apart, and whole troop or army marched through his legs. This is not the game performed by actually it was not invented by Gulliver. Okay, Gulliver invented the other game, the other one. He used his handkerchief in this game. Ma'am, aapki awaaz bahut kam hai mujhe. Can I say, ma'am? Okay. Yes, ji, Sarah. Sarah. Sarah will answer. Ma'am, Gulliver's took nine sticks and fixing them in the ground and quadrangular figure, 2 feet and half square. Then he tied the four parallel sticks about 2 feet from the ground, and then he fastened his handkerchief to the nine stick, stood erect, and it looks like top of the drum, and the four parallel sticks raising about 5 inches higher than the handkerchief, and Emperor's let a troop of his best horses, 24th in number, come and exercise upon his plain, and his majesty proved to proposal. And Okay, Sarah, thank you. Yes, Mohammed Kashif. Ji, Mohammed Kashif. Am I audible, Mohammed Kashif? Mohammed Kashif, kuch to bolo. Khamosh rahoge to phir kya fayda hoga? At least say something. Ma'am, meri aa rahi hai. Ji, ji, aa rahi hai. Ab aa rahi hai. Pehle to aap khamosh baithe hue the, isse nahi aa rahi thi aapki awaaz. नहीं, वो शायद हैंड फ्री लगाया हुआ था, उसका माइक सही काम नहीं कर रहा था, अब वो उतार दिया है ना. ओके, फाइन. ओके, ओके. सो सो गुलिवर इन्वेंटेड अ गेम एंड ही परफॉर्मड अ शो, बट लेटर ऑन ही स्टॉप्ड दैट बाय सेइंग दैट इट इज टू डेंजरस फॉर द लिलीपुशियंस. सो व्हाई डज ही थिंक द गेम वाज डेंजरस फॉर द लिलीपुशियंस? व्हाट्स द रीजन? मोहम्मद काशिफ विल आंसर. मोहम्मद काशिफ, आपका हर दफा माइक का मसला होता है, मैं तंग आ गई हूं. नो मैम, पहले हैंड फ्री लगाया हुआ था ना, वो सही काम नहीं कर रहा था. लास्ट टाइम भी यू हैड दिस प्रॉब्लम, द सेम प्रॉब्लम वाज देयर. जी जी मोहम्मद काशिफ, यस, गो अहेड. जी जी मैम, बताइए क्वेश्चन, थोड़ा बताइएगा क्वेश्चन. आपने सुना नहीं? ओके, फाइन. क्वेश्चन ये है कि जो गुलिवर ने जो गेम परफॉर्म किया, मतलब जो गेम इन्वेंट किया था, उसने क्रिएट किया था उस गेम को, और वो लिलीपुशियंस ने उसको खेला, मतलब वो खेल रहे थे उस गेम को, कर रहे थे, तो फिर उसने उस गेम को छोड़ दिया. उसने कहा कि इट इज़ टू डेंजरस फॉर लिलीपुशियंस. तो मुझे ये पता है कि व्हाई डज ही थिंक दैट द गेम इज डेंजरस फॉर लिलीपुशियंस? व्हाट वॉज द रीजन बिहाइंड दैट? मतलब उसको क्यों लगा कि ये गेम जो है वो लिलीपुशियंस के लिए? आपकी आवाज ही कट रही है. मेरी आवाज नहीं कट रही, मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है. मैं बताऊं? नहीं, आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम. यस मैम. मोहम्मद काशिफ, आपको फिर मसला है. हमारी मेरी आवाज सबको जा रही है. मेरा क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्यों लगा मैम उसके अंदर ये जो गुलिवर्स प्लेटफार्म वगैरह स्टिक एंड हिज हैंडकरचीफ इनवाइटेड हॉर्समैन एक्सरसाइज अपॉन इट एज लाइक कट शॉर्ट व्हेन हॉर्सेस स्टॉप थ्रो द हैंडकरचीफ आफ्टर व्हिच द गुलिवर डिसाइडेड दैट इट इज टू डेंजरस फॉर देम टू कीप राइडिंग ऑन द कॉल. ओके, सो बेसिकली जस्ट टेल मी इन वन सेंटेंस व्हाट वाज द रीजन. एक सेंटेंस से बताएं सिर्फ.
उसके अंदर वो ये कहता है कि जब उसके कट शॉर्ट हो जाता है उस टाइम के ऊपर जो हॉर्स स्टॉप करना हैंडकरचीफ वगैरह से वो मुश्किल होगा ना, वो डेंजरस ही होगा उसके लिए राइडिंग ऑन ए क्लॉथ, तो मेंटेन रखना अपने आप को जो क्लॉथ था उसके ऊपर राइड करते हो. अच्छा एनीवेज ओके फाइन थैंक यू. मोहम्मद अजद अली पाशा. मोहम्मद अजद Mohammed Asjad Ali Pasha is not responding. Mohammed Asjad. Okay, Mohammed Asjad, I will mark absent for you. Okay, our class. I think हम मतलब इतना हमारे लिए काफ़ी है. आई वॉन्ट यू टू रीड द होल चैप्टर और इसके बाद चैप्टर नंबर 4 को आपने पढ़ना है और चैप्टर नंबर 4 को पढ़ने के बाद वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 4 इन आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड आई विल आल्सो आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यू सो देयर वुड बी लाइक अ क्वेश्चन सेशन आल्सो अ डिस्कशन. ओके तो आपने डिस्कशन और क्वेश्चनिंग दोनों के लिए रेडी रहना है और जो अभी ग्रेडेड एक्टिविटी होगी जो आंसर नहीं देगा उसके मार्क्स डेफिनेटली कटेंगे और जो आंसर देगा उसको मार्क्स मिलेंगे अच्छे. ओके तो प्रिपेयर करके आइएगा अच्छे से. ओके नाउ आई टर्न टू रोल कॉल. ओके लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू. इज द स्क्रीन विजिबल? यस मैम. ओके अली नजम. Ali Najam. Amna Sarwat. Present. Anmol Naeem. Anmol Naeem. Anusha Nisar. Aksa Bhatt. Present. Arij Manzoor. Arij Manzoor is not there. Asfa Noreen. Ma'am present. Ma'am, it's not Asfa, it's Asfa. Sorry, Asfa. Okay, thank you. Ashar Manzoor. Ashar Manzoor. Asifa. Present, ma'am. Aisha Ashraf. Aisha Noor. Present, ma'am. Danish. Present, ma'am. Iman Shahzadi. Faizan Ali. Fajar Amin. Fatima Khan. Present, ma'am. Fiza Khan. Present, ma'am. Ghulam Nabi. Present, ma'am. Hamna Babar. Present, ma'am. Hamna Nayyar. Hamna Nayyar. Hiba Asif. Hiba Asif. Huma Mumtaz. Komal Amin. Laiba Amjad. Sorry, Laiba Yusuf. Present, ma'am. Present, ma'am. Laiba Yusuf. Ma'am. Present. Ma'am Komal Amin present. Ma'am Komal Amin present. Linta Khawar. Linta Khawar. Maha Furqan. Yes, ma'am. Present. Khan. Yes, Mahira. Ma'am. Present. Okay. Present, ma'am. Mahira, present. Maliha Sami. Present, ma'am. Maryam Abdul Qadir. Present. Maimuna Zahid. Present, ma'am. Mohammed Asjad Ali Pasha. Maryam Salman. Mohammed Hamza. Present. सेकंड मोहम्मद हमजा जो 7-8 वाला है. ओके ठीक है 7-8 इज नॉट देयर. ओके मोहम्मद काशिफ. यस मैम. मुकद्दस बीबी. प्रेजेंट मैम. निदा हामिद. निदा हामिद वाज देयर. प्रेजेंट मैम. ओके मैम प्रेजेंट. मैम प्रेजेंट. Present, ma'am. Nurul Hasnain.
Rimsha? Present, ma'am. Sadia Sarwat? Present, ma'am. Sajal Khan? Present, ma'am. Sameen Sadia? Sameen Sadia. Sara? Present, ma'am. Savera Shah? Present, ma'am. Shah Subhan Rafi? Sharjeel Ahmed? Present, ma'am. Saida Maruk? Present, ma'am. Uzma Javed? Ma'am. Farda Ali? Zain Asif? And Zimal Rubab. Okay, class. I'm ending the meeting now. See you in the next lecture. Allah Hafiz. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz, ma'am. Ji. Ye kaun tha? Okay, Allah Hafiz.